जमीनी विवाद के कारण घर के महिला बच्चे और पुरुष तक का ही टांगी से बलुआ से हमला कर दीनगा। बतावागा कि लोग जब सुबह सुबह अपन बाड़ी रुधत रहे हमार जैसने बाड़ी रुधब शुरू करी वैसने दूसर पक्ष आई के इनके ऊपर बलुआ से टांगी से हमला कर दीनी। बतावागा कि यह हमला माँ ही महिलन तक का नहीं छोड़ेगा, घर से अंदर से ही महिलन का निकाल के ही यह टांगी मारी गए। बतावागा कि यह पूरा मामला जमीनी रंजिशन का लेके रहा है, जौने के पहले लड़ाई झगड़ा होबा करत रहा है और एक सूचना पुलिस का दीन गए रही है भाई। बतावागा कि पहले यह जमीन में ही जौन घर बनावागा रहा है, तब पहले परिवार जौने से विवाद चला था, वो आई के धमकी दे के रहा है और यह में कृत्य कर रहा है कि पूरा घर हमार गिरावे की कोशिश कर रहा है। जैसन के अपना ये वीडियो में ही खुदो देख सकी थे कि महिलाओं द्वारा जो पिलर खड़े हैं वहाँ उनका फावड़न से या लकड़ी से ही कौ में के तोड़ा जाल लाग है। यह पूरा बात क्या बाहरी थाना क्षेत्र के है। बतावागा कि यह मामले में ही जो उनके एक जमीन विवादित रही है उसके बाद जीत गए रहन है भाई, वह जमीन में ही हम अपन घर द्वार बनवावत रहन है भाई, जौने के कारण विरोधी पक्ष जो रहा हुआ है कि अचानक हमला कर दी। बतावागा के पहले लगातार विरोधी पक्ष द्वारा यह कहा जा रहा है कि हम तो यमी के ही काट डार एक शिकायत बाहरी पुलिस में कीन गए रही है, लेकिन बाहरी पुलिस हम ही कौनों में के संज्ञान नहीं ली नहीं, जौने के कारण अपराधी के हौसला वो मजबूत हो जाता है और यमी के वारदात का अंजाम दे बैठे। अपने बताई कि बाहरी पुलिस के ऊपर यह संगीन आरोप लगावागा है कि बाहरी पुलिस का ही हर मामले की शिकायत कीन गए रही है, फिर और बाहरी पुलिस कौनों में के ही संज्ञान नहीं ली नहीं, जौने के कारण इनका आज यह दशा है। बाहरी थाना क्षेत्र के एक मामला आवा है जहां अपने का बताई कि जमीनी विवाद में ही जमीनी रंजिशन के कारण टांगा से बार कीन गया है, टांगा से काटा गया है, जहां महिलन का तक नहीं छोड़ा गया है, महिला बच्चन सहित आज ही आए के ही जिला अस्पताल में भर्ती हैं, आई उनसे बातचीत करवाई थे कि कौ में के जमीन रही, कौ में के विवाद आ रहा, केखर जमीन रही, का नाम है अपना के ही अग्रनाथ विश्वकर्मा, कहाँ आ रहा पूरा मामला? सब हमारे भाई भाई के हिस्सा बांट बटा है, हम अपने घर बना रहे हैं, हम अपने पट्टा जमीन की अंदर हमारा आ रहा है, ये बहनों नापे हैं, सब हमारा फाइनल है, हमारा जमीन में कोई विवाद नहीं है, फिर भी हमारे घर आकर के साहब हमारे पूरे परिवार को काट डाले, मार डाले। का करत रहनु काहे? हम अपने घरे में रहन साहब, अपने बिढ़ौटी के अंदर मेरी की अंदर और बहनों मौका का लीन जाए उन जहरा गार रहन गोरू कि सका था तो के रूं है खातिन। पहले से कौनो भी बात रहा का? पहले से सिर्फ है जमीनी रंजिश रही, लेकिन हमार ओकर वो स्टे ले रहे हैं, हम यहाँ स्टे ब्रैकेट रहा और स्टे ब्रैकेट के बाद हम तहसील से हमके आदेश है, RI साहब का प्रतिवेदन है और सीमांकन का प्रतिवेदन बनावागा, पंचनामा बनावागा, RI साहब स्वयं बनाइन और बना के और हमको दिए और हमको आदेश भी मिला तहसील से, फिर भी हम काम नहीं चालू किए। इससे पहले भी हमारा घर गिरा दिए, 15/5 को हमारा घर गिरा दिए, वो गिरा दी वो बैजनाथ के, बैजनाथ के सभी पूरे परिवार मिलके सूचना पुलिस का दिया, इसका सूचना हम पुलिस में बाहरी में जाके 3 बार सूचना दिए, 1 महीने तक हम बाहरी पुलिस के पास जाके हम अपना रिक्वेस्ट सुनाए और उनको पूरा वीडियो दिखाए, लाइव वीडियो दिखाए, उनको मौका करने के लिए बोले तो ना तो हमारा वो आके मौका किए, हमारा स्टे करने के बाद तहसील से स्टे करने के बावजूद भी ना तो उन पर पुलिस कार्रवाई की, अगर कहीं उस पर पुलिस कार्रवाई की होती जो हमारे साथ घटना घटी है उसमें अगर पुलिस कार्रवाई की होती तो आज हमारे साथ ये जो टांगी और बलुआ से जो बार किए हमारे घर में औरतों को घुस के, घर में हमारे घुस के औरतों को टांगा हमारे, ये 25 तारीख को शाम को सुबह का 5 बजे की बात है, 25 को सुबह 6 बजे की बात है, वो लोग सब परिवार पूरा आके टांगी से हम लोग अपना ब्यूटी रूंद रहे थे तो वो पूरा टांगी लेके सबको एक कैसे टांगी मार मार के गिरा दिए हैं और बोलते हैं कि हम नियम कानून नहीं मानेंगे, हम जबरन जबरदस्ती तुमको सब घर काट के और कब्जा कर लेंगे, हम ना तहसील का ना मानेंगे ना कोर्ट का कहीं मानेंगे, कोई कहीं का फैसला नहीं मानेंगे, हम जबरदस्ती सब घर को काट के हम यहाँ पे तुम्हारे घर में कब्जा करेंगे, ऐसा बोलते हैं। विश्वकर्मा, विवाद विश्वकर्मा, इनपत विश्वकर्मा।
रामायण विश्वकर्मा जो धमकी देती है, धमकी देते वाली है इंद्रपाल विश्वकर्मा, रामायण विश्वकर्मा, संतोष विश्वकर्मा, विभाद विश्वकर्मा, मुरारी विश्वकर्मा, उनके समस्त परिवार पूरे मेन है वो इंद्रपाल विश्वकर्मा, ये सब उन्हीं के जरिए हो रहा है। आपने 25 तारीख को विश्वकर्मा को 25 हमारे बड़े पिताजी के बड़े लड़के हैं जो कि वो रात में 12-2 बजे तक मीटिंग किए हैं बैजनाथ विश्वकर्मा के यहाँ, और फिर सुबह 6 बजे के अंदर अंदर वो आके हमारे ऊपर टांगी से और कुल्हाड़ी से प्रहार कर वो करवा दिए। हाँ इंद्रपति, उसमें मेन मास्टर इंद्रपति हैं जो कि सुबह 6 बजे के अंदर अंदर आके चारों तरफ से घेरा बंदी करके हमको अचानक टांगी से और कुल्हाड़ी से सब पे बात किया। हम लोग कमारे पे हमारे घर के औरतों को घर से निकाल के उनको टांगा से मारे, बच्चों के मारे, पूरे घर को एकदम पूरा बेहोश कर दिए। इसका सूचना कई बार दे चुके हैं, कोई सुनवाई हम लोग को करती नहीं, पुलिस वाले कोई जिस दिन ये घटना घटी है उस दिन तो हम सब कोई होश में नहीं थे, हमको कैसे हम यहाँ जिला अस्पताल पहुँचे हम लोग को कुछ नहीं पता है, मालूम नहीं है कि हम लोग यहाँ कैसे आए। चार चार पाँच बार सिर पे चार चार पाँच पाँच टांगी का प्रहार किए हैं एक एक आदमी को। पुलिस अब कहा कि पुलिस नहीं सुन रही सर, हमारा कुछ नहीं सर, नहीं सिर्फ पैसे के दम पर वो उनके ऊपर चल रही है। हम 3 महीने से दौड़ रहे हैं पुलिस के पास, हमारी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर कहीं जो हम जितना बार हम आवेदन दिए हैं, हमारा घर गिरा दिया, हम आवेदन दिए, अगर उसमें पुलिस बाहरी पुलिस कार्रवाई की होती तो आज हमारे ऊपर ये जानलेवा हमला नहीं हुआ होता। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ बाहरी, और अभी भी वो लोग कह रहे हैं कि जो बच भी गए हैं तो फिर से उनको टांगा से मार के और ख़त्म कर देंगे और इनको यहाँ रहने नहीं देंगे, हम कब्जा करेंगे, किसी को बात नहीं मानेंगे, और हम ना आरआई की रिपोर्ट मानेंगे ना कहीं कानून मानेंगे। हमारा गम रजा चमन है। चलिए पूरा बाहरी थाना क्षेत्र के मामला है, अपना पंच सुनील लागन के का कहा है कि अगर पुलिस पहले से यह मामले में संज्ञान लिए होता जिनकर यह हालात न होत कि जौन हालात इनका यह अस्पताल में ही यानी कि घरे में घुस के ही टांगी बलुआ न चलत। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना पंच देखत रहन के एक परिवार कौ में के पीड़ित हवे, जमीनी विवाद कलई के कौ में के ही ओके ऊपर टांगी बलुआ चला हवे। फिलहाल अब यह देखे वाली बात होती है कि यह मामले में ही का कार्यवाही होती। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना पंच देखत रहन बार बार टाइम्स में बघेली संवाद। हम मृत्युंजय मिश्रा कश्यप। जय हिंद जय भारत।